ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुदर्शन चक्र घुमाने से गला कटा, किसका? सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो माया का गला कट जाएगा, अगर उल्टा चक्र घुमाएंगे तो किसका गला कटेगा? खुद का गला कट जाएगा। खुद का गला कटना अर्थात टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी पर चिंतन नहीं करो। पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। 84 जन्म की सीढ़ी देखे है ना, 84 जन्मों की सीढ़ी। थोड़ा सा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। ज्ञान सुना, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा किसी का परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़े नीचे उतर गए। अगर यही करते रहेंगे तो सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। और विनाश तो अभी देख रहे हैं। देखो अब मार्च महीना है और ऐसा बरसात आ रहा है जैसे सावन महीने चल रहे हैं। और अब तो चाहिए, कहते ना सर्दी, होली होने के बाद क्या होते हैं, ठंडी को भी ठंडी खत्म हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि प्रकृति कहते हैं अब चलो घर, बहुत हो गया। और कहते हैं अभी ये वायरस के लिए गर्मी चाहिए, लेकिन और ही गर्मी ठंडी बढ़ती जा रही है। इसलिए ये कोई ना कोई बहाना है सबको लेके जाने का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अपना टाइम पर चिंतन करके, दूसरों का चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपना टाइम सफल करो। तो आज से कभी किसी का परचिंतन, अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे तो उसको तो भगाएंगे ना। इसी तरह कोई किसी की व्यर्थ बातें आपको सुना रहा है तो उस समय हम क्या करते हैं, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे और क्या हुआ बताओ ना। वो कचरा डाल रहे हैं उसके लिए क्या, चाय पानी पिला रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ ना, बैठो और क्या हुआ बताओ। भगवान ने कान को हमें व्यर्थ बातें सुनने के लिए नहीं दिया है, मुंह किसी का परचिंतन करने के लिए नहीं दिया है। बेकार जो कान है जो बेकार की बातें सुनते हैं, महान कान वो है जो ज्ञान की बातें सुनते हैं। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर मत डालो। इसलिए परचिंतन हमें नहीं करना, क्योंकि अब समय वो नहीं है।